हम नंबर दो की संख्या हमारी भारत में, हम उतने ही जिम्मेदार हैं देश के प्रति जितने कोई बाकी देश द्रोही ढूंढ कर रहे हैं। हम जिम्मेदार हैं, हम भी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दिल से बढ़ाना चाहते हैं। तो ये क्या किसी की भक्तिदारी नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, देश नहीं है, हम सब का बाप, हम सब का देश है। और ये संविधान ने दिया है, संविधान की शुरुआत क्या है, हम भारत के लोग, हम मुसलमान, हम हिंदू, हम ब्राह्मण, ऐसी शुरुआत नहीं है। और वो संविधान की शुरुआत क्या होनी चाहिए इसके लिए भी संविधान समिति में बहस है। इसलिए बड़े अभ्यासपूर्ण ये भारत के संविधान की शुरुआत करी थी कि हम सब भारत के लोग, इसका मतलब है हम सब भारत के मालिक। और जो संविधान है वो हमने हमारे लिए बनाया और हमें अर्पण किया, हमने जिसने हमें बराबरी का दर्जा मिला है। और ये जो आजकल चल रहा है, मैं तो 1976 से मैं बात कर रहा हूँ ये कि हम सब देश के मालिक हैं और हम सबको अधिकार है, किसी को हम हमारा संगठन जरूर करें पर वो संगठन किसी दूसरे का द्वेष ना करे। किसी का हम द्वेष करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। परसों देश के नामचीन ब्राह्मण को या सब प्रोफेसर्स हम यहां बैठे थे सेवाग्राम में महात्मा गांधी के आश्रम, तो बोले, वो बोले कि जस्ट आप शुरुआत करेंगे। मैंने कहा मैं क्या शुरुआत करूं, मैं तो आप सब लोगों से लड़ रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति का सवाल नहीं है, विचारों का सवाल है। तो मैंने कहा कि भाई आप लीड ले लो, देश बदल जाएगा, आप लीडर बनो, आप इतने निजी सोच क्यों रखते हो। जापान में हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद वो सब लोग बर्बाद हो गए, जापान बर्बाद हुआ था। वहां की समुराई करके जात थी, वो सबसे ऊंची जात थी। हमारे मौला मौलवी को भी इशारा है, वो सबकी ऊंची जात थी जापान में। और उन्होंने डिक्लेयर किया उसकी, जब जापान बेचिरा हुआ तो हम आज से सबके सबसे नीचे स्तर पर रहेंगे और हमारा जो भी है वो सब हमने छोड़ दिया है, देश का विकास करना हमारा हमारा पहला कर्तव्य है। तो जापान आज कहां है? मैं हिटलर मुसोलिनी को कुछ नहीं समझता, वो कुछ नहीं है, उन्होंने चंद पीढ़ियां बर्बाद करी है। लेकिन हमारे यहाँ के जो लीडर जिनको हम समझते थे, यानी उच्च वर्णीय वर्ग, उन्होंने हमारे हजारों साल बर्बाद किए, स्वर्ग की लालच दिखाकर, नर्क का डर दिखाकर। सभी धर्मों की ये बात है, लेकिन हिंदू धर्म की एक अलग बात है। 33 करोड़ देव सर पर रखकर देवी देवता, ये हमें स्वतंत्र विचार करने नहीं देते। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं और किसी धर्म के बाजू में नहीं, मैं मानवता के बाजू में। मैं 76 से कह रहा हूं कि हमारी जो ऊंच नीचता है, जातीयता है, ये हमारे सभी दुखों का कारण है। अभी आपने किसी ने कहा कि पसमंदा ये सब जो है वो किसकी देन है, किसकी देन है? इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म पहले आया केरला में, और वहां के सबसे टॉप जो ब्राह्मण थे उन्होंने पहले वो ईसाई बने, उसके बाद इस्लाम भी स्वीकार किया, मस्जिदें बनी, चर्चेस बनी। और अभी आज कहते हैं सावरकर कि वो हमारे दुश्मन। तो ये जो चाल है उनकी, ये हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई क्या है कि ये ऊंच नीचता उधर से उधर ये लेके आए, तो इस्लाम में भी आए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि समता, ये शब्द ही हमें बुद्ध के बाद गायब हुआ था, वो हमें इस्लाम ने सिखाया।
तो इस्लाम ने जो समता की बात करी है, ये देश में इस्लाम के लिए, इस्लाम के अच्छे तत्वों के लिए हम लोग, कई लोग हमारे इस्लाम धर्म स्वीकार किया, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? आज क्या है, आज हमारे में भी कई, मैं सुनता हूं हमेशा ऊंच नीचता है, तो इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। वो तो इसी का फायदा उठाते। मैंने वो आजाद भाई ने कहा था, यदि हम सब मिलके रास्ते पर आएंगे तो दुनिया देखते रहेंगे, सब मिलकर दुनिया देखते रहेंगे, क्योंकि 20-25 करोड़ आबादी, लेकिन कैसे, संविधान के दायरे में। और डॉक्टर बाबा साहब ने, महात्मा गांधी ने दिखाए रास्ते पर अहिंसा के बाद। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि हमें अधिकार है, आंदोलन का अधिकार है, हमारे अधिकार मांगने के लिए हमें आंदोलन करना पड़े तो करना पड़े, लेकिन वो संविधान के दायरे में होना चाहिए, अहिंसात्मक मार्ग से होना चाहिए। वो अहिंसात्मक मार्ग और संविधान के मार्ग से, वो शब्द मेरे भाषण से निकाले और बोले कि दिल्ली के दंगे का कारण कोलसे पटेल का मुंबई का भाषण। तो हम जानते हैं तो हमारे सबकी बोलती बंद करना चाहते हैं, सीएनआरसी में हमने देखा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, ज्यादा लंबा भाषण करने के लिए मैं नहीं आया, कि आखिरी सांस तक हम बराबरी के लड़ाई के लिए, सबको, हम सब बराबरी के हैं, इसलिए आपने ये दिखाया, तो हम समता के लिए लड़ेंगे, और उसके लिए ना किसी धर्म की जरूरत है, ना किसी अल्लाह ईश्वर की जरूरत है, ये हमारे दिल की बात, कि सभी मानवता एक है और उसके लिए हम लड़ना हमारा कर्तव्य समझते हैं, वो भी आखिरी सांस तक। मैंने CA NRC आप सब मालूम है, देश भर में गया, लेकिन माहौल बदलते बदलते इतना बुरा हुआ, उनको कानून तो अमल मजबूर नहीं कर सकते, मैं बोलता था तब भी बोलता था, एक किसी का बाप आया तो ये कानून का अमल बजावने नहीं कर सकते, cannot be implemented। अभी वो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, वो ड्राफ्ट भी नहीं कर सकते और इंप्लीमेंट तो दूर रहा, डर दिखाते, डर दिखाते, ड्राफ्ट तो करो पहले, एक तो शुरुआत तो करो कानून बनाने की। दुर्भाग्य से आज कोर्ट भी जैसे हम चाहते वैसे, यानी हम चाहते हैं ना, जो हम कानूनी डिसीजन की उनसे अपेक्षा करते हैं वैसे हो नहीं रहे। यदि कानून से होता तो बाबरी मस्जिद की जमीन किसी को भी नहीं दी होती, ना मुसलमानों को ना हिंदू को, क्योंकि हिंदुओं ने सभी कानून तोड़े थे, कई वकील यहां होंगे, कंटेप्ट ऑफ कोर्ट करके उन्होंने मस्जिद गिराई थी, तो कोर्ट ने जिसका कंटेम्प्ट हुआ उसी कोर्ट ने उनको मदद करी, ये तो बहुत गलत काम है, लेकिन किया। 1948 के बाद नए डिस्प्यूट नहीं एंटरटेन करेंगे, कानून है, उसके बाद इसे कानून का अर्थ निकालना, इतने बड़े बड़े जजेस हैं, प्रदेश बड़े पढ़े लिखे आए हैं, अभी 370 का भी कल का जो इंटरप्रिटेशन है वो हम सब लोगों ने विरोध किया है, ये क्या इंटरप्रिटेशन है, 370 को टच ही नहीं किया, बाजू बाजू से जजमेंट देके जैसे बाबरी मस्जिद दिया था वैसा ही जजमेंट है, कि मुद्दे पर 370 का हिस्ट्री क्या थी, 370 किस लिए आया, 373 में क्या लिखा है। तो इसीलिए कोर्ट के जजमेंट में हमेशा कहता हूं, हमें कोर्ट के प्रति बहुत आदर है, क्योंकि मैं जो आपके सामने खड़ा है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मदद से खड़ा, हर बार हमें पिटिशन करना पड़ता है, लेकिन मैं जज था तब भी मैं कहता था कि हम सिर्फ निकाल देते हैं, हम जस्टिस देते हैं ऐसा नहीं, इन्हें न्याय होना चाहिए। हम बैठते हैं वहां तो ये आप लोग सही कोर्ट कहते हैं कोर्ट ने न्याय दिया या कोर्ट का निकाला है, तो हम लोग सिर्फ जजमेंट देते हैं,
हर जजमेंट में जस्टिस होता है ऐसा नहीं, और ये सब हम देख रहे हैं। इसलिए एक ही ताकत है हमारी, जा रहा नहीं। सिर्फ मैं आपको बोलता हूं कि हमें संविधान के दायरे में करोड़ों के लोग साथ आके लेके, अरे आदिवासी हुआ, मैं तो छात्र से बोल रहा हूं, एससी एसटी और मुस्लिम यदि साथ आते हैं तो हम राज कर सकते हैं, हम रिजर्वेशन देने वाले होंगे, हम देश के मालिक बने होंगे, क्यों नहीं बनते? जरा आप सब मिलके विचार करेंगे।